नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोपिक एन क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेस्टोपिक एन क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और बेस्टोपिक एन क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेस्टोपिक एन क्रीम का उपयोग बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में किया जाता है, जैसे त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर, त्वचा पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर दाद या कोई फंगल इन्फेक्शन होने पर, डर्मेटाइटिस होने पर, सोरायसिस होने पर और एक्जिमा होने पर बेस्टोपिक एन क्रीम का उपयोग किया जाता है। डर्मेटाइटिस, सोरायसिस और एक्जिमा होने पर त्वचा में जलन, त्वचा में खुजली, त्वचा का सूखी पपड़ी बनकर उतरना और त्वचा में सूजन व त्वचा में रेडनेस होना आदि लक्षण डर्मेटाइटिस, सोरायसिस और एक्जिमा होने पर हो सकते हैं। बेस्टोपिक एन क्रीम त्वचा में जलन, खुजली, सूजन और त्वचा में रेडनेस को ठीक करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोपिक एन क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बेस्टोपिक एन क्रीम की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बेस्टोपिक एन क्रीम की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन, त्वचा में खुजली और त्वचा में सूखापन हो सकता है। ज्यादा लंबे समय तक यानी कई महीनों तक या बार बार बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने से त्वचा का पतला होना, त्वचा का फटना, त्वचा में दरारें पड़ना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, त्वचा पर बालों की ग्रोथ अधिक होना और त्वचा का लाल होना आदि साइड इफेक्ट्स बेस्टोपिक एन क्रीम की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोपिक एन क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व प्रभावित एरिया को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। बेस्टोपिक एन क्रीम को प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए और बेस्टोपिक एन क्रीम को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बेस्टोपिक एन क्रीम को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लगाने की सलाह देते हैं। बेस्टोपिक एन क्रीम की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेस्टोपिक एन क्रीम को आँखों और मुँह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए बेस्टोपिक एन क्रीम को आँखों और मुँह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। बेस्टोपिक एन क्रीम को वजाइना के अंदर भी लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। बेस्टोपिक एन क्रीम को लगातार 4 सप्ताह से अधिक लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय तक लगातार बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक किसी अन्य दूसरी दवा या क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं है। त्वचा पर कोई चोट लगने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर बेस्टोपिक एन क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं है और अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि बेस्टोपिक एन क्रीम स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को बेस्टोपिक एन क्रीम को न लगाने की ही सलाह देते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को बेस्टोपिक एन क्रीम को लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेस्टोपिक एन क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।